आप लोग मेरे साथ चलिए तो सही, और दानिया बी कॉन्फिडेंट, और तुम्हें जब भी वो शख्स नजर आए तुमने फौरन मुझे बताना। ये सब क्या तमाशा है बेटा? आज से ये कमरा तुम्हारा और हदीब का है। हदीब ने अपने हाथों से इसे सजाया है तुम्हारे लिए। ठीक है ना, इजी। आप दोनों इधर ही खड़ो, मैं आता हूँ, ठीक है? लगता है आप कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ ढूंढ रहा हूँ, क्या मसला है तुम्हें? लगता है आप इन दोनों को ढूंढ रहे हैं। हाँ इन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, क्या मसला है तुम्हें? देखो, पहले हॉस्पिटल और फिर जेल की सैर करके आए हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी नहीं बदली। अगर इन खवातीन ने शोर मचाया ना, तो पहले गार्ड्स और फिर पुलिस तुम्हारा ऐसा बैंड बजाएगी कि तुम्हारा बाप भी याद रहेगा। और अगर इनमें से किसी ने वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दी ना, तो फिर तो तुम्हें पता ही है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चल अब निकल, पहले ही जमानत पे रिहा हुए और पुलिस की नजर तो तुम पे पहले ही है। तुम सबको देख लूंगा। देखा फिर कैसे मिनटों में भगा दिया मैंने उसे। लेकिन आपने क्या कहा उस डाकू से? अरे ये मेरे दोस्त के मोहल्ले में रहता है, आते जाते भी इसे मैंने देखा है, इसलिए मैं इसे पहचान गया। और ये कोई डाकू वाकू नहीं है, बस अबाश दोस्तों की सोहबत में रहकर बिगड़ गया। और सुनो दानी, आइंदा कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना, तो सबसे पहले बहादुरी से उसका सामना कर। ये सिक्योरिटी वाले किस लिए? आप सही कह रहे हैं, आपकी बात ये मैं हमेशा याद रखूंगी। चलो। अच्छा अब्बा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो फजूल में परेशान हो जाएंगे। हाँ सही कह रही। हदीद ये लो बेटा चाय पी लो। मामा आप थकी हुई थी, आपको चाय बनाने की क्या जरूरत थी? जिस टेंशन से तुम गुजर रहे हो ना, उसके लिए ये चाय बहुत जरूरी है। और हाँ, आज तुम जेबी के पास नहीं गए? जब से सोबी आई है मैं जेबी से बात ही कब करता हूँ, और आज तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। हदी मैं तुमसे एक बात कहूं, मानोगे? आप यही कहना चाह रही है ना कि मैं सोबिया को अपने नाम से आजाद कर दूं, है ना? ये तुम्हारी और सोबिया दोनों के हक में बेहतर है। सोबिया तुमसे शदीद नफरत करती है, तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभाने की कोशिश में पूरी तरह से टूट जाओगे। मामा मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं कि सोबिया मेरी जिद बन चुकी है, उसे मुझे कबूल करना होगा। कहीं अपनी जिद में अपनी मां को ना खो देना हदीद, मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मामा आप क्यों इतनी फिक्र करती? कल अशर ने हमें खाने पर बुलाया, अब जाहिर सी बात है कि सोबिया तो हमारे साथ जाएगी नहीं, तो आपको ही मेरे साथ चलना। शर्मिली अब ये गाना तुम मेहमानों के आगे ना गा लेना। अरे नहीं अनिल बाजी, ये तो मैं अपने लिए गा रही हूँ, वजन जो इतना बढ़ गया है मेरा। वैसे अनिल बाजी आपको पता है मैंने कितना खूबसूरत लगना है उस जोड़े में जो आप दोनों ने मुझे दिया है।
अरे शर्मिली, तुम हर सूट में बहुत अच्छी लगती हो। सच्ची? अच्छा सुनो, काम बहुत है और उन लोगों ने भी 7 बजे तक पहुंच जाना है। चलो जल्दी जल्दी हाथ ही लाओ, काम खत्म। जरा सब्जियां सही काटे। तुमसे अच्छी काट रही। तुमने अब अगर मामा से इतनी बदतमीजी से बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा सोबिया। अच्छा तो क्या करोगे? ये तो वक्त ही बताएगा। तुम एक दफा मुझ पर जबर कर चुके हो, मेरे सारे डर खत्म हो चुके हैं और मैं मजीद अब कोई और ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम मुझे अपने घर में तो ले आए, याद रखना तुम्हें अजियतों के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। हटो यहां से। कसम से दानिया, मुझे तो रात भर खौफ के मारे नींद ही नहीं आई। उफ अम्मी, अशर ठीक ही तो कह रहे थे, अगर इस तरह के लोगों के सामने हमने मजीद अपना खौफ जाहिर किया ना तो वो और ज्यादा शेर हो जाएंगे। बल्कि जब वो मुझे ढूंढ रहा था ना, मुझे उससे बहुत सख्त लहजे में बात करनी चाहिए थी। वैसे तुमने अकलमंदी की जो शाहनवाज को कॉल नहीं कर दी। पता है ना मुझे कितना पैनिक कर जाते हैं वो। खैर टॉपिक चेंज करें। अम्मी, अशर के घर जाकर आपने अपने चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल रखने। हरगिज़ अहमद भाई से उसका घर कंपेयर नहीं करना। ये सब चीजें मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। वैसे कल अशर के आने के बाद मुझे काफी तसल्ली हुई है और उसके बाद मेरे ख्यालात भी बदल गए हैं। बस सिर्फ ये सोचती हूँ कि लोग क्या कहेंगे कि बड़ी को तो इतने बड़े घराने में ब्याह दिया और छोटी बेचारी। अम्मी प्लीज, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ और जो लोग आपसे इस किस्म की बातें करते हैं ना, आप प्लीज उनसे मिलना छोड़ दें। अम्मी मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, आप अपना बैग वगैरह पकड़े ना, जल्दी चलते हैं, लेट ना हो जाए। हाँ, मैं बस 2 मिनट में। हाँ प्लीज। वो किसका फोन आ गया इस वक्त? हाँ नुसरत। हेलो इशरत आपा, कैसी हैं आप? क्या बताऊं कैसी हूं, सारी रात एक लम्हे के लिए आंख नहीं लगी मेरी। मैं भी आपके जाने के बाद बहुत अपसेट थी और सोबिया को भी बहुत अफसोस था आपसे ना मिलने का। बल्कि इस मामले पर मेरी तो सुल्तान से अच्छी खासी बहस हो गई, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे इशरत आपा। हाँ यहाँ भी यही सूरत हाल है। मुझे समझ नहीं आते कि इन लोगों को हुआ क्या है, क्यों अपने बच्चों के बारे में ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती इशरत आपा, इन लोगों को क्या हक है हम दोनों बहनों को जुदा करने का। ठीक कह रही हो तुम, ऐसा करो शाम ऑफिस जाते हैं ना तो तुम मेरे पास आ जाओ, दोनों बहनें मिलकर लंच करेंगी। भाड़ में जाए इन लोगों की लड़ाइयां, मैं अपनी इकलौती बहन से दूर नहीं रह सकती। ठीक है? अच्छा ठीक है इशरत आपा, थैंक यू। अम्मा अब्बा के बाद आप ही तो हैं मेरा सब कुछ। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके। शुक्र है आशी, तुम्हें मेरा भी ख्याल आ गया। हाँ बस अभी निकलने लगे हैं। तुम्हें पता है जो ड्रेस तो मेरे लिए लाई थी ना, वही पहना हुआ मैंने, बहुत सूट कर रहा है मुझ पर। अच्छा अच्छा भेजती हूँ ना मैं तुम्हें सेल्फी। हाँ अम्मी अब्बा यही हैं लेकिन वो तैयार हो रहे हैं। हाँ मैं उनको बता दूंगी। अच्छा भेजती हूँ ना, तुम फोन रखोगी तो भेजूंगी ना। अच्छा ओके।
भस्कर शर्मिली, चक्कर आ जाएगा। अनवी बाजी, आप और असर साहब ना बहुत ही अच्छे हैं। आपको पता है आज ना असर साहब के ससुराल वाले ना मुझे देख कर ना हैरान ही रह जाएंगे कि शर्मिली ने इतना अच्छा सूट पहना हुआ है। अपनी तारीफें किए जा रही है। मैंने भी नया सूट पहना है, जरा इधर भी देख लो। क्या करूं अनवी बाजी, आज तो ना मुझे मेरे अलावा ना कोई नहीं नजर आ रहा। वैसे अल्लाह की कसम, आप भी ना बहुत ही प्यारी लग रही है, लेकिन मैं ज्यादा लग रही हूँ। ये अदाकाराओं की तरह अगर आप दोनों की एक दूसरे के लिए झूठी तारीफें खत्म हो गई हों, तो कोई खाने की मेज भी देख ले, सेट किया या नहीं आपा। खुदा का वास्ता कोई प्लास्टिक की रंग बिरंगी प्लेटें ना रखे। वो वाइट डिनर सेट है ना जिसकी गोल्डन लाइनिंग है, वो लगाइएगा, ठीक है? अशर, तुम फजूल में परेशान हो रहे हो। मैंने क्रॉकरी निकाल के रख दी थी, तुम फिक्र मत करो। वैसे शर्मिली को देख के रानिया काफी इंप्रेस हो जाएगी। हाँ, आशी बता रही थी कपड़ों के मामले में दानिया बहुत हसास है। अगर कोई दोस्त भी उस जैसा सूट बना ले तो वो नहीं पहनती। बड़ी नखरे वाली बहू है आपकी आपा। अभी तो हम सोच रहे हैं। चलो, आप लोग अभी से ही ससुराल वाले बन गए हैं। नहीं, ये तो होगा। चलो शर्मिली, बहुत काम रहते हैं। बाजी आप जाए ना, मुझे भी ये कांटे भी बदलने हैं अपने। अच्छा, मैं जा रही हूँ, जल्दी आओ। कौन है? बेटा मैं हूँ बुशरा आंटी, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। जी बेटा, हम लोग अशर के घर जा रहे हैं। तो जाइए, मैंने कब रोका है? तक खाना टेबल पे रखा है, खा लेना। तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा? कहो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, बल्कि आप लोगों के जाने के बाद मैं कुछ देर सुकून से रह सकूंगी। तौबा है, इतनी तंग गलियां, गाड़ी भी नहीं अंदर ला सके। अच्छा भाई, ये बात उनके सामने रह गए। अशर जी, कितना तैयार होते हो। अशर, वैसे मैंने एक बात सोची है, आज ना मैं दानिया के हाथ पे 5,000 का नोट रख के बात पक्की करूंगी। मुझे यकीन था आप ऐसा कुछ जरूर सोच के बैठी होंगी, इसीलिए मैंने पहले ही इंतजाम करके रखा। पहले तो तुमने कभी इतनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई। तो वो लोग आ गए। हाँ, जल्दी से जाओ। अभी आ। अनवी बाजी, वो लोग आ गए, चले फूल फेंकते हैं उन पे, चल के चले ना। जाओ, सब्र करो। अच्छा, पहले दरवाजा तो खोले। प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए। नहीं हदीद, हदीद मामले को समझने की कोशिश करो। वो चाहती है ही अपनी जिंदगी में और बहुत सी टेंशन है, मुझे टेंशन बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। मामा, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा आपसे उसका इतना रूड रवैया। हदीद, मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ। देखो, वो चाहती यही है कि मेरे जरिए तुम्हें टॉर्चर करें। तुमने जो उसे शदीद दुख दिए हैं, वो जितना भी करे कम है। मैं तो अल्लाह से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर यही दुआ करती हूँ कि सोविया के दिल में नरमी पैदा कर दे और वो तुम्हें दिल से कबूल कर। अच्छा, चलें, काफी देर हो गई। खैर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा सूट देखकर। क्या मतलब सूट देख? मतलब आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा,
मेरे ख्याल से अब हमें अंदर चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपा ने कहा था कि मेहमानों का बहुत अच्छा वेलकम करना है, तो मैं बस थोड़ी देर में आया। हाँ एक मिनट, ठीक है। हाय शेर, क्या हो गया? आपा, शर्मिली के कपड़े चेंज करवा दे। क्यों? दानिया ने बिल्कुल ऐसे सूट, मतलब इसी रंग का सूट पहना है, अगर उसने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। आए हाय, शर्मिली और दानिया का एक जैसा सूट, दानिया को तो बहुत बुरा लगेगा। और शर्मिली, तुम जाओ जाके बदल दो। मैं नहीं बदलूंगी सूट अपना। ओहो, मारे जाएंगे शर्मिली। बाजी आपको पता है। चलो शर्मिली, तुम जाओ जाके सूट चेंज करके आओ। ये मुझे तो अपन नहीं ठहरे, आप इसको देखें, मैं उन्हें देखता हूँ। जाओ जल्दी करो, उनको बिठाओ ड्राइंग रूम में। शर्मिली, अंकल पे, ये आंटी, होने वाली अम्मी पे, ये बस कर दो बेटा, इतना इस्तेमाल तो कोई बारात को भी नहीं करता। पापा ने कहा था कि वेलकम बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं तो सोच रहा था छुरली पटाखे भी चलाऊं, लेकिन दिन में नजर नहीं आने थे, और वैसे भी बारूद का इस्तेमाल करने का क्या फायदा, मैं खुद ही बाम्बू। आइए जी, आइए आइए। चल चल चलो बेटा। हाँ सोबिया, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मम्मी आप मुझे यहाँ भेज कर तो भूल ही गई हैं। कल ही तो गई हो तुम, ऐसे कह रही हो जैसे महीनों हो गए तुम्हें। महीनों? मुझे तो लगता है सालों गुजर गए इस कैद खाने में। सोबिया, सोच समझ कर बात किया करो, अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छा है सुन ले। वैसे भी दोनों माँ बेटा इस वक्त घर पर नहीं है। मुझे लगता है कि तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। मम्मी मैं बहुत थकती जा रही हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। काश मैं अभी इसी वक्त आ सकती तुम्हारे पास, मगर उस सुल्तान का कल से मूड ऑफ है, बात भी नहीं कर रहे वो मुझसे। असल में इशरत आपा की वजह से मैं काफी उलझ गई थी। मम्मी, इशरत खाला से ज्यादा मुझे इस वक्त आपकी जरूरत है। और डैडी? हाँ प्लीज उनका अच्छी तरह ख्याल रखें, डॉक्टर ने उनको स्ट्रेस से दूर रहने को कहा है। तुम ठीक कह रही हो सोबिया, मैं अभी जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ, और तुमसे भी जल्दी मिलती हूँ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है मम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। भूल जा ऐ दिल। जब तक खशाम भाई के दिल में मेरे बच्चों के लिए नफरत नहीं जाती, मैं उनसे नहीं मिलूंगा। भूल जा।